नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें और ईश्वर की असीम कृपा बरसे आप सबों पर। अप्सरा साधना की सीरीज चल रही है और आज फिर एक अप्सरा साधना लेकर आई हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोगों को ये साधनाएं बता पा रही हूँ। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अप्सरा साधना सुनिए, देखिए, सीखिए, लेकिन करना या ना करना आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कई लोगों को जब अप्सरा साधना करते हैं तो बहुत सारी बुरी शक्तियां भी सज जाती हैं, वो आ जाती हैं उनके यहाँ, फिर नुकसान होने लगता है। इसीलिए बहुत समझ कर करें, कोई भी चीज सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना या ना करना अपनी जिम्मेदारी पर करें। तो आज मैं जो अप्सरा साधना बता रही हूँ वो त्रिपुर मंदाक्षिणी अप्सरा साधना बता रही हूँ। बड़ी सरल देवी है ये, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। केवल 5 दिन की ये साधना है और 5 दिन में हर हाल में ये साधना सिद्ध होती है, संपूर्ण होती है। और जब देने पर आ जाए त्रिपुर मंदाक्षिणी देवी तो इतना देती है कि आप जब तक जीवित रहेंगे एक राजसी जीवन जिएंगे। तो आइए सीखते हैं इस साधना को। सबसे पहले, साधना से पहले मैं बताऊंगी कि अपनी रक्षा करने के लिए राम रक्षा स्रोत या 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार हनुमान बाण का पाठ जरूर करें। बटुक भैरव नाथ, जो कि हम लोग गृहस्थ जीवन में जीते हैं, तो बटुक भैरव नाथ की जरूर पूजा करें और अपने आप को एक लोटे में पानी रखकर एक लोहे की चाकू डाल लें और उससे घेरा जरूर लगा लें। जब भी हम अप्सरा साधना करते हैं तो अंतरिक्ष की पटल खुल जाती है और कई बुरी शक्तियां अप्सराओं से पहले आती हैं। तो ये बुरी शक्तियां हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए क्षति ना पहुंचाए, हमारे जीवन पर भारी ना पड़े, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा घेरा करनी बहुत जरूरी है। इस बात को बिल्कुल आप भूल ना जाए। और मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, प्रारंभ कर दिया है आपने और कुछ तो महसूस होने लगा है आपको कि अप्सराएं कुछ तो इंडिकेट कर रही है आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स में उन अनुभवों को कृपया ना लिखें, क्योंकि लिख देने से, बोल देने से, पढ़ लेने से फिर वो अनुभव आपको प्राप्त नहीं होगा, अप्सराएं नाराज हो जाती हैं। इसीलिए अपना अनुभव जरूर मुझे लिखें, कोई उपाय या टोटका करते हैं तो, लेकिन अप्सरा साधना के बीच का अनुभव मुझसे ना लिखें। चलिए बात करते हैं किस दिन करना है ये आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कार्तिक महीने में करनी है। पूरे साल में कोई भी महीने में आप ये नहीं कर सकते हैं। बड़ी सरल देवी है, अगर आपको प्रसन्न करना ही है तो आप साल भर इंतजार कीजिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से ये शुरू होगी और पूर्णमासी को ये समाप्त होगी। 5 दिन करनी है और पर डे आपको 21 माला जप करनी है। सूर्यास्त के बाद का ही समय आप चुने, अगर रात्रि के 10 बजे के बाद चुनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें लाल कपड़ा ही पहने, लाल आसन पर ही बैठे और चौकी पर भी लाल कपड़ा ही बिछाएं। तस्वीर ऐसी रखें जिसमें लाल कमल में देवी हो। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आप तस्वीर नहीं रखते हैं तो आप लाल सिंदूर या लाल अबीर से एक चित्र बना सकते हैं उस चौकी पे, एक थाल रखकर, जिसे आप त्रिपुर मंदाक्षिणी देवी का रूप मान सकते हैं। लाल पुष्प भी चढ़ाएंगे। अगर लाल पुष्प की माला आप खरीदते हैं तो 2 खरीदे, एक स्वयं अपने गले पे पहने, एक माँ को भी पहनाए। इसमें सिंदूर, काजल, मतलब श्रृंगार की जो चीजें होती है सभी आपको लगेगी। सिंदूर आप माँ को भी लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं। अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आप माँ को वो सिंदूर लगाने के बाद खुद अपनी मांग में भी वो सिंदूर ले सकती हैं। काजल भी माँ को अर्पण करें, श्रृंगार का और भी कोई चीज करें, कलेवा खुद अपने हाथ में भी बांध लें। अगर आप कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ खीर का भोग लगाएं, जो कि ऑप्शनल है, बिल्कुल आप ना भी लगा सके कोई बात नहीं। जब ये 5 दिन ही आपको करना है और इस अप्सरा साधना की कुछ छोटी छोटी अलग रूल है। इस अप्सरा साधना में ये 5 दिन आपको बाजार नहीं जाना है, बाहर के लोगों का चेहरा नहीं देखना है। अगर घर के लोग आपके सामने आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मार्केट नहीं जाना, घर के बाहर नहीं जाना, किसी भी अन्य स्त्री पुरुष का चेहरा नहीं देखना है। कम से कम ये 5 दिन आप उसी कमरे में बिताने की कोशिश कीजिए। आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, साल भर आपने इंतजार किया है और कार्तिक माह में आपने ये प्रारंभ किया है, तो ये 5 दिन थोड़ा सा कष्ट कीजिए, 24 घंटे उसी कमरे में बिताइए, भगवान की का जप कीजिए, उनकी आस्था में लीन रहिए। लेकिन ये देवी जब सज जाती है तो ये सुंदरता, शक्ति शादीशुदा जीवन के लिए और धन संपत्ति से परिपूर्ण कर देती है। हम जब तक जीवित रहते हैं, कहा ना मैंने, राजसी जीवन आप जिएंगे अगर ये अप्सरा आपकी दोस्त बन जाती है। चलिए विधि बताती हूँ। आपने तो पूजा पाठ कर लिया, एक माला आप गणपति जी की, एक माला शिव जी की, एक माला बटुकनाथ भैरव जी की और एक माला गुरु की, अपने गुरु की माला जरूर जप करें। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु कोई
इंसान है, जैसे मैं आपकी गुरु हूँ तो आप मेरे नाम की माला क्यों जपेंगे। मैं आपको कहती हूँ जैसे पूजा में सर्वश्रेष्ठ गणपति जी होते हैं, प्रथम पूजनीय होते हैं, बिना गणपति जी की पूजा की कोई और पूजा मान्य नहीं होता, उसी तरह कोई भी साधना अगर आपको करनी है तो आपको अपने गुरु की एक माला जप जरूर करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गुण गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का भी जप कर सकते हैं, वो भी आपको गुरु की मान्य होगी। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान, कोई भी साधना अधूरी रहती है। 5 दिनों तक आपको 21 माला जप करनी है, शांति से 24 घंटा कमरे में ही बितानी है, अप्सरा को याद करनी है। उसके बाद क्या करनी है, 5 दिन जब ये खत्म हो जाती है तो अप्सराएं सब आपस में जुड़ी रहती है। हम सीधी सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि अप्सराएं सारी सहेलियां होती है। उसके बाद इनकी सारी सहेलियों को, यानी इनकी 8 सहेलियां होती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका नाम डाल दूंगी, आपको उनका आह्वान करना है, उनको बुलाना है। जैसे हमारे साथ हमारे परिवार को भी कोई निमंत्रण देता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है ना, उसी तरह हम अप्सराओं के साथ साथ 8 उनकी सहेलियों का आह्वान करेंगे। तो आह्वान कैसे करना है आप मुझसे सीख लें। आपको कहना है क्लीम उर्वशी आह्वामी, क्लीम रंभा आह्वामी, ऐसे करके आपको 8 अप्सराओं का नाम लेना है, मतलब मैं आपके साथ 8 अन्य सहेलियों का आह्वान करती हूँ। आह्वान के बाद आपको 16 शक्तियों का जप करना है। उन 16 शक्तियों के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दे रही हूँ, और इसका मंत्र काफी बड़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ लिख दे रही हूँ जो इसका मंत्र है, उसे आप पेपर में लिख लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि जुबान बिल्कुल गलत ना हो। गलत मंत्रों का उच्चारण हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आप 16 शक्तियों का जप करें, 5 दिन के बाद ही आप परिणाम देखेंगे। मैंने कहा ना, सौंदर्य का प्रतीक, रति का रूप, लक्ष्मी का प्रतीक होती है ये माँ, और ये जब देने पर आ जाए और मैं विनती करूँ कि मुझसे देखकर जो भी इस अप्सरा साधना को करना चाहे वो इस अप्सरा को माँ रूप में ही साधे, ना बहन, ना प्रेयसी, ना सहेली, ना पत्नी रूप में, सिर्फ माँ रूप में पूजे। अगर हमसे कोई चूक हो भी जाती है तो माँ से हमारा कॉम्पिटिशन नहीं होता, वो क्षमा भी कर देती हैं। लेकिन अगर आप बहन रूप में तो बराबरी का रिश्ता हो जाता है, सखी सहेली के रूप में वो भी बराबरी का रिश्ता हो जाता है। और कृपया प्रेयसी या पत्नी के रूप में ना साधे, वरना फिर आप पूरी जिंदगी शादी नहीं कर पाएंगे, और फिर अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी चल रही है तो आपकी पत्नी को बहुत कष्ट हो जाएगा। इसीलिए मां रूप में ही साधे, और कोशिश करें कि जब आपको इंडिकेशन मिलने लगे अप्सराओं का, आपको महसूस हो कि मेरे आसपास है, तो धन से संबंधित अपना काम निकलवाने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रॉपर्टी का कोई मामला अटका हुआ है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, तो आप उस काम को निकलवा लीजिए, क्योंकि सिद्धि कभी भी खत्म हो सकती है। वैसे तो अप्सरा साधना 5 वर्षों तक चलती है, और अप्सरा 5 वर्षों तक बिल्कुल आपकी गुलामी करेगी, आपकी सेवा करेगी। 5 वर्षों के बाद इसको, इस साधना को फिर से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हम खुशी के मारे अपनी बातें दूसरों को बताने लगते हैं, लिखने लगते हैं कहीं, तो ये साधनाओं का असर कम होने लगता है, फिर अप्सरा रूठ भी जाती है, वो चली भी जाती है। तो अगर जब आपको मिल जाए, आपको एहसास हो कि अप्सरा आपकी बात सुन रही है, तो धन से संबंधित अपने सारे काम निकलवा ले। आशा करती हूँ, मुझे लग पता है कि आप लोगों को बात सारी समझ में आ गई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ का जवाब दे पाती हूँ, कुछ का नहीं दे पाती हूँ, लेकिन पढ़ती सबको हूँ मैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सारे प्रश्नों को जरूर लिखिए, मुझसे पूछिए, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ईश्वर ने इतना दिया कि मैं अपनी साधनाओं को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। जितना ज्ञान मुझे है मैं कोशिश करूंगी कि आपको दे पाऊं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, और अप्सरा साधना कीजिए, संपूर्ण कीजिए। ईश्वर करे आप सबकी साधना संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, और अप्सराओं का और इस साधना का भरपूर लाभ आपको मिले। अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।